बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अक्सर अपने बोल बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। जी हां, वो अक्सर पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पर अपनी राय देती रहती हैं। इसके चलते उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ फिर देखने को मिला जब स्वरा ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि मुगलों ने हमारे देश को अमीर बनाया है। स्वरा का कहना है कि देश को अमीर बनाने में मुगलों का हाथ है। जी हां, स्वरा ने खुद ये बात अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सामने रखी। अब आपको बताते हैं, दरअसल स्वरा ने जिस ट्वीट को शेयर किया उसमें लिखा क्या हुआ था। मुगल विजेता के रूप में भारत आए, लेकिन वो उपनिवेशवादी नहीं बल्कि भारतीय के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने व्यापार, विकसित सड़कों, समुद्री मार्गों, बंदरगाहों को प्रोत्साहित किया। मुगलों के दौर में हिंदू सबसे अमीर थे। इसके बाद से एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया जाने लगा। इस ट्वीट और उस पर मिल रहे रिएक्शन को देखकर तो यही लगता है कि लोग स्वरा भास्कर को ट्रोल करने के लिए बस उनके एक ट्वीट का इंतजार करते हैं। स्वरा का ये पोस्ट मुगलों को लेकर था। इस पोस्ट को देखते ही गुस्साए फॉलोअर्स ने स्वरा को जमकर लताड़ लगा दी। हालांकि इन ट्रोल्स पर अभी तक स्वरा का कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये ट्वीट शेयर होते ही कमेंट्स की बरसात हो गई। हर कोई स्वरा की आलोचना करता दिखाई दे रहा था। किसी ने स्वरा की इतिहास को लेकर क्लास लगा दी तो किसी ने कहा कि सस्ते नशे मत किया करो। वहीं एक यूजर ने यहां तक बोल दिया कि जैसे ओसामा बिन लादेन ने देश को शांति प्रिय बनाया, वैसे ही मुगलों ने देश को अमीर बनाया है। किसी ने कहा, पाकिस्तान चली जाओ, अच्छे से होगा वहां तुम्हारा हलाला और निका। एक यूजर ने कहा, शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी क्या करो। तो किसी ने मुगलों और राजपूतों के वंशज के बारे में बताया। तो एक यूजर ने कहा कि इसमें स्वरा की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जेएनयू से एजुकेशन ली है तो ऐसा ही होगा ना। इसके बाद स्वरा ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अगर मैं ट्विटर पर हफ्ते में एक बार ट्रोल ना की जाऊं तो समझना मैं मर गई हूं। आपको बता दें, स्वरा भास्कर वामपंथी राजनीति का समर्थन करती हैं, यानी वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की विचारधारा को मानती हैं और अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ बयान देती नजर आती हैं। इससे पहले स्वरा अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि स्वरा भास्कर उनके बॉयफ्रेंड हिमांशु शर्मा का ब्रेकअप हो गया है। बता दें, हिमांशु को स्वरा 5 सालों से डेट कर रही थी। इससे पहले स्वरा भास्कर ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों का समर्थन भी किया था। उन्होंने कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जिसमें आम आदमी पार्टी, सीपीएम जैसी पार्टियां शामिल थी। हालांकि उनके द्वारा सपोर्ट किए गए सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। वर्क फ्रंट की बात करें तो स्वरा फिलहाल अपनी फिल्म शीर खुरमा को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म को फराज आरिफ अंसारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुरेखा सीकरी, दिव्या दत्ता और स्वरा भास्कर जैसे सितारे नजर आएंगे। इस फिल्म में कल्याणी मुल्ले, एलाना रुखसाना, मरिया फर्नांडिस और जतिन गुलाटी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। वीके न्यूज की रिपोर्ट।